अस्सलाम वालेकुम। हम आज ईद का दूसरा दिन है, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया। ये एक लोगों के लिए तफरी मकाम है, एक बहुत खूबसूरत काम किया गया है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं और आके इन्जॉयमेंट करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, खाने पीने की भी अशिया मौजूद है, हमने बहुत खाया पिया भी है, इन्जॉय भी किया है, अभी और भी इन्जॉय कर रहे हैं। आप सबको भी कहेंगे कि आप लोग भी आएँ और आके अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें, ये दो तीन दिन होते हैं, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मीडिया के भाई मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और माशाल्लाह अच्छे अच्छे चैनल से आए हुए हैं। मैं आप सबका वाकईतन दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूं और आप सबको ईद मुबारक भी कहता हूं। देख लें, आप काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं पार्क की, तो चिकाई थीम पार्क के नाम से इस छोटे से एक प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया और अल्लाह की मदद से, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि आज ये प्रोजेक्ट आपके सामने है और हमें मतलब भरपूर तावन मिला आवाम की तरफ से। और इसके पीछे जो हमारा एक मोटिव था, एक कॉज था, वो यही था कि हम इलाका तनावल और हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के आवाम को एक ऐसी सहूलत मैसर करें कि जो उनके पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है। दुनिया की कामों में और माहौल की फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो हमारे जहनों के अंदर एक थकावट आ गई है, आप यकीन करें कि हमारा मोटिव यही था कि हम उसके लिए कोई एक ऐसा कदम उठाएं कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें। डेफिनेटली इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल है, लेकिन इसमें जो जज्बा है वो ये है कि हम एक पब्लिक को एक ऐसा एक खूबसूरत व्यू के साथ इंटरटेनमेंट पेश करें। आप देखें कि यहाँ पे आपने वीडियोस बनाई हैं, झील सामने नज़र आ रही है, और जब ये झील नहीं होती तो एक ग्रीन फील्ड होती है और लैंडस्केप नज़र आता है आपको। इस साइड पे सारा पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है और यहाँ पे रात को मैं कहता हूँ कि जो फैमिलीज़ आएँ वो बिल्कुल सेफ़ भी हैं यहाँ पे और वो एक अजीब लुत्फ अंदोज़ होंगे यहाँ के माहौल से। शदीद किस्म की हवा चलती है रात को यहाँ पे और जो कि और किसी जगह नहीं होती, आप बेशक एक्सपीरियंस करके देख लें। और मैंने अपने पार्क के साथ एक सब टाइटल विंडी हिल्स का भी दिया हुआ है और विंडी हिल्स का यही मतलब है कि यहाँ पे रात को इतनी हवा होती है जो सुबह तक रहती है और तकरीबन पूरा दिन ही, मतलब पूरा सीज़न 12 महीने ही रहती है, यानी रात को, दिन में नहीं, रात को तकरीबन 9-10 बजे हवा विंड शुरू होती है यहाँ पे और जो सुबह तक रहती हैं। तो बाकी मज़ीद इसको हम इस प्रोजेक्ट्स में हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसको भी हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद पब्लिक की सहूलत के लिए। लेकिन इसके अलावा जो पैरेलल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं दो तीन, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे ऊपर अल्लाह की ख़ास मेहरबानी और सब भाइयों की दुआओं से हमारे जो पार्क का माहौल है वो इतना मतलब फैमिली वाइज इतना अच्छा माहौल है कि जो अक्सर पार्क्स में नहीं होता, जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े और फसादात होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि खुसूसी लोगों का तावन है, फैमिलीज आ रही हैं और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें हम लोग फैमिलीज आ रही हैं। और फिर भी कोई ऐसा गैर नाखुशगवार वाकया यहाँ पे पेश नहीं आया अल्लाह के फजल करम से। तो ये हम इन फैमिलीज़ को अपनी फैमिली समझते हैं और हम बेशक एक भरपूर किस्म का चेक रखते हैं कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊं कि जहां हम लोगों ने मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, तो उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा हमें एक एप्रिसिएशन मिली है। और स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की तरफ से डीपीओ साहब की खुसूसी मेहरबानी यहाँ इसमें शामिल आ रही है। अभी भी यहाँ पे उनकी सिक्योरिटीज़ के लोग घूम रहे हैं और जो के मॉनिटर कर रहे हैं एक सेंटर में बैठ के,
जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, डीपीओ साहब मॉनिटर कर रहे हैं इसको, और हम उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी शफकत की, हमारे साथ तावन किया, और हमने उनके तावन की वजह से इस इवेंट को कामयाब बनाया, और आगे चल के भी हम उनसे तवक्को रखते हैं और वो हमसे तवक्को रखें कि हम इसमें मज़ीद बेहतरी लाएँगे और हम इस तरह के और इवेंट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। Let's go.